तो की जर्नी कैसे शुरू हुई स्टार्टिंग में तो लिखा भी मैं, 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 मैं अपलोड करने वाला भी हमने लिखा था दिख रहा होगा यहाँ पे यू आर हेयर बिकॉज यू आर बिग थिंकर यू आर अ लर्नर यू आर अगलर जब स्टार्टिंग हुई थी ने भी जब किया था तो मेल में ये आया था कि मतलब कोई चार्ज वगैरह मैं नहीं करूँ वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम क्योंकि बजट था ही नहीं डब्ल्यू एच ओ के लिए भी आई थिंक रूबी ने किए हैं हैं और दे दे के चार्ज करे हुए हैं और के कर हम तो तो भी भी नहीं नहीं पाते जब कुछ देता देता है ना तो वो अकेला नहीं देता। उसके साथ में उसका सुप्रीम का इंटेंट भी उसमें जुड़ जाता है उसको फ्लो आता है वहाँ से उसने उस इंटेंट के साथ लिखा अब हिंदुस्तान के लोग पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि हिंदी में अवेलेबल नहीं है आपकी जो इंटेंशन थी ना वो मुझे बहुत टच करती थी हिंदी में लोगों को बुक्स मिलनी चाहिए विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो अपने अपने लेवल का ये कंट्रीब्यूशन है एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो जो एक स्टोरी आई थी जो एक मजदूर थे तब उन्होंने भी गीगल की समरीज को सुनकर के अपना दूसरे अप दिन वो आए तो डॉक्यूमेंट लेकर आए और बोलते हैं कि मैम से मिलना है तो मैं गई तो बोलते की ये मेरी वसीयत है और इसमें इतना पोस्टिंग मुझे आपको दी एक सेंटेंस सुनोगे तो वो आपको लगेगा ये अच्छी आवाज बुरी है लेकिन उसके बाद जो दिल से बोल रहा है ना वो बाकी उसकी टोनैलिटी एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे का ना वो सब झड़ जाता है जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है आप किसी को नहीं दे सकते वैसे अगर आपके पास वो फील नहीं है वो फीलिंग भी नहीं किसी को दे सकते तो मैंने ऐसी जो अपना ब्रदर इन लॉ है उसको बोला क्योंकि वो शालॉक होम्स बहुत देखता है यार इसको ना हिंदी में करेंगे मैंने तो बोला ये तो फिर वही बात होगी शाहरुख खान का जो डायलॉग है का, आप इंग्लिश में वो ही। ऐसे नहीं आई जब रिकॉर्ड होगी तो मैंने सुनाई और वो अकेले कोने में जाके बेड में जाके वहाँ पर सुन रहा था ऐसे को केले में जाके। कहीं लिख देते आजकल बुक्स अथॉरिटी के लिए लेकिन कई लोग डिजर्व करते उस बुक को अमित जी का नहीं नहीं आपका अमित जी का ठीक है ना आपका कैसे हो रहा है ओके तो आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें दो ऐसे लोग हैं जिनकी मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इन लोगों की वजह से ही गीगल बना है और इन दो लोगों का नाम है अमित जी और रूबी पारेक अगर आपने गीगल एप्लीकेशन को एक बार भी सुना है तो इनके नाम आपके दिमाग में होंगे ये हमारी छोटी सी जर्नी है कि कैसे हमने पच्चीस हजार रूपए से यह एप्लीकेशन स्टार्ट करी आई होप ये स्टोरी आपसे उतनी कनेक्ट करेगी जितनी की मेरे साथ करती है लेट स्टार्ट ओके रूबी तो सबसे पहले हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं तो मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मुझे याद है कि बचपन से डिबेट कॉम्पिटिशन्स और स्पीच देना गाने गाना प्ले करना ये सब चलता था कॉलेज तक भी यही था बीएससी किया मैंने फिर बीजेएमसी तो मुझे लगा कि आवाज की दुनिया में यही सब होता है और एक मैम ने तो बताया नेता बनते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है यार अभी पता नहीं नेता तो क्या ही बनते बट यही होता होगा सडनली मिर्ची लॉन्च हुआ और उसके बाद छह महीने मैंने घोट के पीते हैं ना रात दिन जैसे आपको प्यार हो जाता है दिस काइंड ऑफ थिंग और मुझे याद है मेरा केमिस्ट्री का पेपर मिस हो गया था मैं लेट पहुँची uh, क्योंकि मिर्ची का बर्थडे था और मुझे तो पूरी रात पार्टिसिपेट करना था <laughs> तो इस टाइप की लिसनिंग जहाँ पे मैंने कैसेट्स रिकॉर्ड करती थी पार्टिसिपेट करती थी तो छः महीने का एक इन्वेस्टमेंट था आई थिंक वो मेरा uh, जो डिसाइड नहीं किया था लेकिन मुझे याद है उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चल रहा था जिंदगी में सीक्रेट आई थी और ये कनेक्शन बनता गया पता चला कि रेडियो में वैकेंसी है गए और पूछा रेडियो के बारे में क्या जानते हो तो छह महीने जो भी किया था की नेम शोस, क्या करते हैं क्यों करते हैं कितने मिनट का बोलते हैं सब कुछ तो उन्होंने सात दिन की अपॉर्चुनिटी दी कि ठीक है आपको टेक्निकली कुछ चीजें सीखनी और परफॉर्म करना है और बस सात दिन के अंदर शो लाइव हो गया इस तरीके से रेडियो शुरू हुआ और टचवुड बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स थे पंकज सर उज्ज्वल सर सो आई थिंक सही लोग भी मिले सही टाइम पर तो मुझे लगता है ये किसी ब्लेसिंग से मतलब ब्लेसिंग ही है बहुत बड़ी चीज़ है आपने आठ साल तक काम किया पे ना हाँ, साल मैंने दो हजार पंद्रह में मैंने रेडियो से मूव किया उसके बाद अभी मैं फ्रीलांस वॉइस आर्टिस्ट हूँ अभी भी कुछ टाइम मैं रेडियो शोज करती हूँ स्पेशल सेगमेंट्स तो फ्रीलांस आप कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग रेडियो भी और इसके साथ में फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट जहाँ स्टोरीज फिक्शन नॉन फिक्शन मोस्टली नरेशन वर्क टीवी कमर्शियल ऑडियो विजुअल्स और रेडियो स्पॉट ये सारे काम तो अभी करेंटली मैं ये सब कर रही हूँ और नरेशन में ऑडियो बुक्स भी आ जाती है कहानियां भी आ जाती है डॉक्यूमेंट्रीज भी आ जाती है बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है और बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है एक्चुअली अगर किसी को रेडियो जॉकी बनना हो तो वाकई में यही जर्नी फॉलो करनी चाहिए और जो आपने ब्लेसिंग की बात कही यू आर ट्रूली ब्लेस्ड बिकॉज आप सही हाथों में गए उज्जवल सर जैसे पर्सनैलिटी के हाथों में गए जो मतलब वो हीरे तराशने का काम करते हैं एंड यू आर वन ऑफ द राइट right. और आपका तो नाम भी रूबे ही है <laughs> दी, 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 दी। I think timing का भी है और कानों को थैंक यू सो मच ये कान ही है जो सुनकर ही सब कुछ सीखते हैं तो जब भी लोग कहते हैं आवाज अच्छी है शो अच्छा है तो मुझे मुझे लगता है कि कान बड़े खूबसूरत है यार आप सुनते हो वो पचास सेकेंड दस सेकेंड में आप सुनते हो ना तो हमारे लिए वो पूरा शो और सब कुछ मतलब बेमिसाल थैंक यू

मैं चाह रहा था कि किसी तरह से मैं रेडियो में पहुंचूं इतफाकन रेडियो का न्योता मिला और मैं भाग्यशाली रहा कि सब ऑडिशन्स भी मेरे थ्रू हो गए मुझे भी आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने रेडियो में मुझे संवारा क्योंकि एक्चुअल में मैं देखूँ तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का जो क्रेडिट है वो रेडियो को ही देता हूँ क्योंकि छोटे से शहर से हैं हम लोग ग्वालियर में मैंने मैं था जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो 2006 में मेरी ज्वाइनिंग हुई 2007 में हम लोग लॉन्च हो गए थे लॉन्च से पहले मुझे एक दो स्टेशन पर जाकर के लॉन्च देखने का मौका मिला एंड देन वो जर्नी चलती रही मेरे रेडियो में ट्रांसफर्स बहुत हुए हैं मैं इंदौर भी रहा मैं भोपाल भी रहा मैं मुंबई भी रहा और ज़्यादातर समय जो है वो मैं भोपाल में फिर रहा हूँ बात के राजस्थान में भी में मेरा जाना हुआ ट्वेंटी में मैंने ड्यूरिंग द कोविड कोविड पेंडेमिक के दौरान जब वो थम गया था वो वो दौर उसके बाद फिर मैंने रेडियो के बाद फिर एक इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू की जिसमें मैं फ्री गीगल के साथ में मेरा जुड़ना हालांकि थोड़ा पहले हो गया था लेकिन उसने मुझे एक हिम्मत और हौसला दिया क्योंकि किताबें जब हम पढ़ते हैं अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं तो आपको आपके अंदर कुछ करने का जज्बा तो आता ही है समझ भी पैदा होती है और हिम्मत भी आती है

और अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मेरी रेडियो की जर्नी छूट सकती थी मगर उन्होंने वो एक वैसे आइडियल व्यक्ति के रूप में मेरे सामने आए कि मैंने फिर आगे के करियर में क्योंकि जैसे जैसे मेरी भी पोजिशन और जिम्मेदारियां बढ़ी तो मैंने उनको ही फॉलो किया मेरी तो शुरुआत ए बी सी डी उज्जवल सर से थी तो हम उन्हीं के बच्चे हैं थैंक यू सर अब जहाँ भी ये सुन रहे हैं थैंक यू सो मच ओके okay. uh, जो रेडियो है उसमें मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा फैंस होते हैं तो कोई क्रेजी फैन की स्टोरी आप लोगों के पास हो रूबी आपसे स्टार्ट करते हैं uh, बहुत सारी है ऐसे तो बट आपने क्रेजी बोला है तो मुझे याद आ रहा है ह्यूमन कि शो करते करते आपको कुछ खाने का मन होता है कुछ भी होता है बोलते हैं लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं आपको कुछ का खाना है गोलगप्पे चॉकलेट और कुछ होते हैं एक्टिव फैन

लेटर पढ़ के पूरी टीम ने पढ़ा अच्छा लगा बोले बहुत ही डीप रिसर्च की है ये तो कोई बहुत ही वैसा फैन है दूसरे दिन फिर आते लेकिन वो खुद नहीं मिले एक्चुअली वो सिर्फ देकर चले गए दूसरे दिन वो आए तो वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आए और बोलते हैं कि मैम से मिलना है तो मैं गई तो

और टाइम भी इन्वेस्ट करो इतना डीप आपको सुन रहा है और सडनली ये ऐसा कुछ लेकर आता है तो आप थोड़ा डर भी जाते हो बहुत शॉकिंग होता है एक्चुअली अमित जी आ, सोच सकते हैं कि एज अ तो फीमेल ये कितनी बहुत डर लगता है एक्चुअली तो हमने उनको बड़ा रिक्वेस्ट करके बोला ऐसा कुछ नहीं है आप रखिए अपना बोले नहीं मैं करना चाहता हूँ ये मेरा एज हमने उनको बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके हमारे जो भी टीम के थे उन्होंने उनको नफा दफा किया थैंक यू आप सुनते हैं एक एक बड़ी एक बड़ी मैं जब आप ये मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे ना रूबी तब मैं मैं ये समझ पा रहा था कि आपने अपने टॉक के थ्रू मतलब रेडियो जो कन्वर्सेशन आप करते हैं जो भी कंटेंट आपने कम्युनिकेट किया होगा उसके थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किए होंगे क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि वो थोड़ा सा अलग साइड में जा रहे हैं वो लिसनर लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में ये आ भी रहा है ना ये थाट भी कि मैं कुछ मतलब

अलग नहीं है ये हम एज ए टीम काम करते हैं और रेडियो का फेस भले सामने बोलते हैं पर उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं इवन पूरा ऑफिस दिखाया कितने लोग काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि जो माइक के सामने वही आरजे नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारे शब्द भी कभी कभी पीछे प्रोड्यूसर प्र, है कॉन्टेंट मैनेज करते हैं बहुत सारे लोग हैं तो आसान तो नहीं होता है बट यह समित जी शाम का शो होता था तो और मोस्टली छोटे शहरों में भी लोग जब गांव से आते हैं या पढ़ाई करने आते हैं तो लोग अकेला महसूस करते हैं तो आई थिंक वो एक रेडियो जो होता है ना उनका एक बनता है किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी यू नो उनके लिए शेयरिंग होता है 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 कि कोई उन्हें सुन रहा है। मुझे लगता रेडियो लाइक कि कोई हमें सुन रहा है और बिना जज किए बिना ताना हमारे और बिना और कुछ yeah. तो किए इतनी कंटेंट कि के थ्रू या जो भी आपकी टीम ने आपको की है आपने बहुत ही अच्छी

पहली बात तो ये कि मैं मेरे सामने जो भी आता था और मुझे कोई कहता था फ़ैन हूँ तो मैं कहता था नहीं फैन नहीं फ्रेंड बनो हमें तो सिखाया गया है रेडियो में आप फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं तो ऐसा रहा तो कुछ क्रेजी किस्से भी हैं लेकिन मुझे इस वक्त जब आपने पूछा तो खूबसूरत दो पल याद आ रहे हैं मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ में एक तो क्या हुआ था कि एक मेरी लिसनर थी जो नीलेष मिश्रा जी जो स्टोरी टेलर हैं उन्हें बहुत पसंद करती थी और मेरा ट्रांसफर हुआ ही हुआ था भोपाल और एक बार ऐसी किसी चीज़ के जरिए कुछ पूछने के लिए उन्होंने कॉल किया तो मैंने पूछा आप शो सुनते हैं बोले मैं किसी को नहीं सुनती नीलेष जी के अलावा मैंने कहा अच्छी बात है पर मुझे चूंकि पता नहीं कहाँ से एक विश्वास आया आत्मविश्वास आया मैंने कहा मैंने कहा एक दिन आप लोगों से कहोगे कि के मैं केवल हमको सुनती हूँ बोले अच्छा देख लेंगे ऐसा हुआ फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि मेरा शो स्टार्ट हुआ और वो धीरे 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 मेरे शो के साथ में इतना अटैच हो गई कि एक दिन वो एक बड़ी सी ट्रॉफ़ी लेकर के आई और उन्होंने कहा कि मैं आपको बेस्ट रेडियो जॉकी का अवार्ड देना चाहती हूँ एंड शी कोई नहीं था कुछ नहीं था बस वो स्टूडियो में आई ऑफिस में आई और उन्होंने दिया ऐसे ही मेरे एक और लिस्नर ने भी किया था वो भी लेकर के आए थे और फिर मुझे एक याद आता है खूबसूरत पल जब मैंने जब शो से फाइनली 2017 की बात हो गई है जब मैं फ़ाइनली शो से हट करके दूसरी जिम्मेदारियों में आया मैनेजरल तब मेरे लिसनर्स का जो ग्रुप था वो पंद्रह बीस लोग वो लोग ऑफिस में आए और न जाने कितने सारे लोगों से साइन करा करके लाए कि हमें जो है वो अमित का शो सुनना है रोज शाम को हमें नहीं मालूम और वो मेरे स्टेशन हेड से इस तरह की जरा करने लगे तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उनको मैनेज किया संभाला मैंने कहा चिंता नहीं करो किसी न किसी रूप में सुनाई दूंगा बट अभी आप लोग यहाँ से ये रेडियो की पावर है और एक्चुअली अटैचमेंट है यहाँ पे ना टर्म्स एंड कंडीशन लोगों को समझ नहीं आती वो बस दिल से जुड़ जाते हैं और कितनी खूबसूरत चीजें हैं यू नो चेंज रूल्स नहीं है मतलब रूल्स से चालीस सेकंड बोलना है बट क्या पब्लिक को अपील करेगा ना वो बहुत जरूरी अब मतलब कितने फंडे लगा लो कितना सेल्स कितना मार्केटिंग लोगों के दिल को जो भाई ना बस वो चाहिए इसलिए रेडियो वन टू वन और ये दोनों जैसा ऐसे थे ना मुझे ऐसा लगता था ठीक है कोई अवार्ड नहीं चाहिए बड़ा है आकर के ये कर रहे हैं हेमंत जी आपने हमसे तो पूछ लिया कि हमारे

क्रेडिट जो है वो हेमंत जी को जाता है क्योंकि रूबी जी को मैं आवाज़ के जरिए तो 2019 से जान रहा हूँ क्योंकि आप पहले से समरीज नरेट कर रहे थे जब मैं गीगल के साथ मेरा जुड़ना हुआ पर इस बात इस पर भी आऊंगा क्योंकि मुझे आपकी स्टोरी भी जाननी है पर पहले मैं हेमंत जी से पूछता हूँ खाउ जस्टी हैंडल क्योंकि जहाँ भी जाते होंगे नहीं अभी तो ज़्यादातर मैं ऑलमोस्ट कमरे में ही बंद रहता हूँ एक कमरे से दूसरे कमरे में तो पहले हुआ लाइक जब टीन एजर्स थे उस वक्त था ऐसा कुछ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डांस करता था तो उसकी वजह से लोगों को लगता था कि अच्छा ये तो मतलब थोड़ा थो वो है तो जैसे बी टेक में मिस्टर चार्मिंग मिला एम टेक में मिस्टर फ्रेशर्स था तो वो कहीं ना कहीं वो डांस की वजह से था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आई थिंक वो क्रेज़ था क्रेज भी नहीं था मतलब वो लाइकिंग होती है टीन में अपोजिट सेक्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो ही था मैसेज नहीं आते नहीं नहीं अभी आई थिंक मंथ पहले मुझे याद है अमित जी जब इन्होंने फेस रिवील नहीं किया था तब तो बड़े मैसेजेस आते थे कि कौन है इनका नाम क्या है कहाँ रहते हैं मुझे पर्सनल मैसेजेस आते थे कि कौन है ये आदमी बताओ कहाँ रहता है कुछ तो पता होगा बात करा दो इनडायरेक्टली तो मैं उनको फॉरवर्ड करती थी उसे वो भी कह सकता है <laughs> तो आई एम श्योर जब इन्होंने फेस रिवील किया होगा तो वो सारे लोग जो जानना चाहते थे उनको बड़ा बड़ी शांति मिली होगी वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था

तो वो अलग से वो आपको एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस तरीके से होंगे आवाज वैसी है तो, तो अलग अलग वो था आई थिंक चलिए लुक्स की बात तो अलग है दिखने की बात तो अलग है वे? बट आ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के थ्रू और अपनी नॉलेज शेयरिंग के थ्रू जो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं जो लोगों के लिए कर रहे हैं वो उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता एक्चुअली क्योंकि वो लोगों की लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है ना इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में आए हैं जो मैं चैनल पे भी कमेंट्स पढ़ता हूँ हम गीगल एप्लीकेशन में भी गीगल ऐप में भी पढ़ते ही हैं और समझ में आता है वो वाइब से लोग किस किस मतलब किस लेवल पर जाकर के आपको शुक्रिया अदा करते हैं अच्छा गीगल की जर्नी कैसे शुरू हुई ये ये बड़ा ये आइडिया कैसे आया hey हेमंत हाँ. कहाँ से बैठे बैठे कुछ आईवीन क्या सूझा कि कुछ ऐसा करता है ये एक्चुअली हो गया बस इसके पीछे एक्चुअली दो तीन रीज़न थे एक होता ना काफ़ी सारे रीज़न थे उसमें से एक पहला रीज़न था कि मैं एक एप्लीकेशन को फॉलो करता था ब्लिंक करके जो कि एक जर्मन कंपनी है तो वो भी समराइज़ करते थे बुक्स को लेकिन वो समराइज करते थे ब्लिंक्स की फॉर्म में जैसे आंख ब्लिंक होती है तो वो पूरी बुक में से एक स्निपेट लेंगे मतलब एक हल्का सा चंग फिर नेक्स्ट लेसन फिर थर्ड लेसन मुझे लगता था कि अगर मुझे कभी मौका मिले समराइज करने का तो मैं उसको एज अ एक एज अ होल देखना चाहूँगा रादर देन उसमें से एक एक स्लाइस काटने के बजाय उसको एज अ होल देखना चाहूँगा तो उनका मैंने फाउंडर्स का इंटरव्यू वगैरह भी देखा तो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये जर्मन की कंपनी है उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं थी लेकिन जो उनके ज़्यादातर कस्टमर्स हैं वो अमेरिका और इस तरह यूरोप साइड ज़्यादा है तो इंग्लिश ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेज है और जब उनकी मैंने सुनी तो पहले ऐसे लगता है जब आप एप्लीकेशन देखते हो कि ये तो बहुत ही बड़े लोग होंगे बाद में पता चला कि ये तो कॉलेज स्टूडेंट थे हमारी तरह थे और उनके पास दस पंद्रह बुक्स उन्होंने पढ़ी थी तो मुझे लगा मैंने ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मैं भी कर सकता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी थी साथ में फिर पीटर थी, थी। का एक बार इंटरव्यू में देख रहा था तो वो कंपेयर कर रहे थे अपनी बुक की रीडेबिलिटी चाइना में और इंडिया में तो वो चाइना में कह रहे थे कि वहाँ पर पता नहीं कुछ एक लाख या दस लाख कॉपीज बिकी और इंडिया में उसकी वन हंड्रेड थी तो मुझे लगा ये ऐसा क्यों हुआ तो वहाँ पे देखा तो ज़ीरो टू वन जो है वो चाइनीज़ में जो थी वो ट्रांसलेट की गई थी इंडिया में नहीं की गई थी तो मुझे लगा ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि बुक्स के बारे में यूट्यूब में वीडियोज़ तो हम डाल ही लेते हैं तो ऐसी एप्लीकेशन मुझे लगा कभी ना कभी तो एग्जिस्ट करेगी इंडिया में तो उस टाइम लगा ऐसा हम भी कर सकते हैं वो नहीं था कि ज़रूर होगा बट लकीली उस टाइम क्या हुआ कि एक मेरे फ्रेंड थे तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं मैं जोन में होता हूँ मैं ज़्यादातर जाता हूँ मैं थोड़ा अकेला रहूँ ताकि मतलब काम मैं करता रहूँ तो एक फ्रेंड है मेरा ईशान उसने कॉल किया कि हेमंत काम पर है तो पहले उसने मुझसे पूछ लिया उसको पता ये इग्नोर करेगा तो मैंने उसको बता दिया मैं यहाँ पर हूँ तो वो अपने फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स के साथ आ रहा था बोले हम बस आ रहे हैं दो घंटे में तो वो वहाँ पे पहुँच गए अब हुआ क्या कि ईशान के साथ जो बाकी थे उनकी सर्विस कंपनी थी तो ऐसी हम बातें वगैरह कर रहे थे तो मैंने पूछा अच्छा ये है, ऐसी एप्लीकेशन का आ गया कि एप्लीकेशन बनेगी तो कितना चार्जेज आएंगे कितना टाइम लग जाएगा तो उनको जो बताया बोले यार बन सकती है ये तीन चार महीने में और इतना बजट है तो उस टाइम उन्होंने बताया था कुछ सिक्सटी कुछ थाउजेंड की बेसिक एप्लीकेशन जो है उतने में बन जाएगी फिर बाद में ईशान जो है वो भी कंप्यूटर साइंस में थे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था ईशान कंप्यूटर साइंस में थे तो ईशान से जब बात करी वो बोलता है मैं बनवा दूंगा मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं वो कम प्राइस में होंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में वो भी पार्ट्स में देना पड़ेगा लग सक ये चार महीने लगे तो आप पाँच पाँच छः छः हज़ार रुपये पर मंथ करके दे सकते हो तो उससे मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई फर्स्ट वर्जन में मैंने बोला जब तक इनको चार महीने होंगे सौ बुक्स तो मैं कर ही लूंगा जबकि ऐसा नहीं था वो स्टार्टिंग में तो सिर्फ दस ही बुक्स कर पाए तो उसकी स्टार्टिंग की जो दस कुछ बुक्स हैं वो मैंने ही लाइक लिखा भी मैं था एडिटर भी मैं था वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मैं था थंबनेल आर्टिस्ट भी मैं था अपलोड करने वाला भी मैं था फिर लकीली मुझे मिले रूबी और <laughs> उसके बाद मुझे तो लगा यार ये तो आवाज बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो ये कैसे हुआ रूबी ये आप बताओ ये okay, तो... कि आपका गीगल से जुड़ना कैसे हुआ हाँ तो जैसा हेमंत ने बताया कि स्टार्टिंग में यही सब करते थे एग्जैक्टली exactly. जब मैंने भी सुना था तो इन्हीं का वॉइस ओवर था और होता है ना अमित कई बार आप किसी चीज को जज ही नहीं करते लोग मॉड्यूलेशन ये वो मुझे कई बार जब आप दिल से बोलते हो ना ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं देती तो वैसा ही कुछ था तो मैंने बट ऐप सुनने से पहले इनका पोस्ट देखा था मैं उस टाइम अपना फ्रीलांसिंग कर रही थी वॉइस ओवर स्टिल आई एम अ फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट टीवी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्रीज ये सब तो आई वाज हैप्पी वॉज स्टिल आपकी सोल ना हर स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ तलाश रही होती है सेटिस्फेक्शन तो कभी मिलता नहीं मिलना भी नहीं चाहिए बट ठीक है आप ढूंढते रहते हो कि वॉट नेक्स्ट क्या होगा ऐसा कुछ तो इनका देखा मैंने पोस्ट और मैंने मेल किया अपने सैंपल उसमें ऑडियो बुक्स तो ऑडियो बुक्स मेरे लिए थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट था तो मुझे लगा आश्चर्यचकित भावनात्मक हिंदी ऑडियो बुक्स से तो ऐसी फीलिंग आती है क्लिस्ट हिंदी बट ठीक है जब सैंपल भेजा मैंने रिकॉर्ड करके एक बुक का तो मुझे वहां पे रियलाइज हुआ कि यार इतनी डिफिकल्ट हिंदी में ऑडियो बुक्स होगी तो बहुत अजीब हो जाएगा तो की की फर्स्ट बुक की थी और उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी और जैसे स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा की एक होता है ना कि आपको किसी ने कहानी सुनाई और आपने उसको रस लेके उसमें रम के उसको लिखा तो हेमंत का राइटिंग बिल्कुल वैसा था तो मुझे लगा ये कोई

थ्रू इन स्टार्टिंग में तीस चालीस मिनट कोई आपको क्यों सुने वो रीजन बहुत जरूरी था तो मैंने इनसे पूछा और आई थिंक ये एक क्रिएटिव स्पेस हेमंत ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया जो अभी तक है अमित जी इन्होंने कहा कि हम इसको uh, करते हैं अपलोड और बाकी जो रिव्यूज आएंगे कमेंट्स आएंगे हम देखते हैं बिकॉज हम भी इनिशियल जर्नी पे है और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा तो ये वही बात है जो हम रेडियो से सीखते हैं कि बिना किए समझ में कैसे आएगा तो वो किया और उसका रिस्पांस अच्छा रहा तो तब से लेकर आज तक वो जो एक डेढ़ मिनट का होता है ना वो अपना रेडियो लिंक होता है वही सी टेक्निकली कि आप कुछ एक रीजन दीजिए कि क्यों तीस मिनट आपको और मुझे लगता है लोग जब बात करते हैं हाय हाउ आर यू बता जिंदगी में क्या चल रहा है अरे यार बड़ी प्रॉब्लम चल रही है सुबह सुबह घर में ना सब लोग उठाते हैं या ऑफिस में चिकचिक -चिक होती है तो हमारी बातें ना अक्सर प्रॉब्लम से शुरू होती है ये बड़ी डिफरेंट सी बात है तो वो प्रॉब्लम अगर आप पहले ही बोल दो तो लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये मिलेगा क्योंकि कई बार बुक का टाइटल बुक का कवर सफिशियंट नहीं होता है ये बताने के लिए कि पूरी कहानी में क्या है तो ये जर्नी uh, तो uh, जब शुरू हुई तो तब से अब तक चल रही है और अभी पता ही नहीं कितनी सारी किताबें किताबें तो मैं बोलूंगी, लोगों की एक्सपीरियंस है उस uh, हुआ ये था कि काफी सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो थे वो एक तो हम ज्यादा मतलब अमाउंट भी पे नहीं कर पा रहे थे प्लस मेरा ये था कि मैं उनको बोल रहा था कि आप ना अपने जो स्टाइल है लेट मैं करता हूँ या कोई एक वर्ड होता है एक लाइन होता है आप उसको अपनी तरफ से चेंज कर लीजिएगा और मैं उनको बोलता था आप एक बार मुझे बोल के सुनाओ ये वाली लाइन है मैं उनको एक डेढ़ पैराग्राफ देता था उनको लगता था यार ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल है हम थोड़ी ना कोई लाइन चेंज करेंगे तो जब पहली बार जब रूबी सिंह से इनसे हाँ। बात हुई तो एकदम ऐसा हुआ कि जैसे कनेक्शन बन जाता है कि एक्जैक्टली exactly उनको वही पता था जो मुझे चाहिए था और उनको भी वैसी स्क्रिप्ट मिल गई जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे

सी इसलिए आ रही है कि इंडस्ट्री में एक, एक, एक स्लोगन चलता है आर्टिस्ट में दिमाग नहीं होता <laughs> मैं वो है यही कहना चाह रहा था लकी बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी बैठ गई क्योंकि टेक्निकली ये बहुत अच्छा हुआ जो आप इनिशियली जो उसको जो आपने कहा ना रीजन तो दे हम क्यों क्यों क्यों, कोई हमें तीस मिनट चालीस मिनट सुने व्यू आर बेसिकली डूइंग कॉन्टेक्स्ट सेटिंग आप कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रहे हैं आप एग्जैक्ट

और बहुत सारी चीजें नहीं, नहीं, नहीं नहीं। exactly आप तो वो आपको लगेगा ये अच्छी बुरी है लेकिन उसके बाद से टोनालिटी एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे का ना वो सब झड़ जाता है वो बस कनेक्ट हो जाता है वो नॉर्मल बंदा बोलो मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि अब ये दो चीजें जी सिम्प्लीफिकेशन और बस वो दिल से कनेक्ट हो जाए वो मतलब एक्चुअल में उसको चीज समझ आती हो जब वो वैसा बोलेगा वो कनेक्शन बन जाएगा जो दूर से देख रहा है उसको ऐसे लगेगा यार ये तो सब सेम है लेकिन वो जो कनेक्शन है वो सिर्फ लिसनर और जो स्पीकर है वो जानता है कि वो बन रहा है वो बाकी नहीं जान रहे हैं क्या जी रेडियो वाली बात कह कह दी इन्होंने इन्होंने <laughs> रही हूं ना हमने किया है और है है और समझा शायद जो भी मतलब या कुछ भी कहे बट हाँ वो है वाइब आपके अंदर जब आप लिखते हैं तो एग्जैक्टली exactly वो दिखता है झलकता है

या सुबह सुबह ये क्या हुआ क्या होगा सुबह सुबह है होता है कुछ ढंग का पीछे से आवाज आती है है जो जो खोवत जो सोवत है, वो खोवत है जो जागत है वो पावत है घिसा पीटा डायलॉग अरे दुनिया कहाँ चले गई तुम कहाँ बैठे हो तब कुछ ढंग का नहीं हो सकता मेरे घर में तो मुझे बताओ कौन है जो सुबह जल्दी उठता और इतनी ढंग की और प्यारी नींद को कौन सेक्रीफाइस करता है अच्छा दो एक रीजन पक्का सुनोगे तीस मिनट दो ना मुझे अपने काइंड ऑफ की तो गाना गाने का जो एक होता है ना वो भी एक्सप्लोर किया गीगल के थ्रू तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि समरीज के थ्रू हम गाने की लाइंस भी कि जहाँ पे जो जिस चीज से फील बने चाहे वो गाना हो कहावत हो या कोई गूगल का कोई हिंदी कोट हो या मम्मी की चाची की सुनी सुनाई लाइन हो जिससे कोई रिलेट कर जाए वो चीजें हम एक्सपेरिमेंट करते थे बट अमित जी अ, मेरी शुरुआत की बात हो गई हेमंत ने तो बता ही दिया गीगल कैसे आपकी एंट्री दो दो हजार उन्नीस दो थिंक हमने यूट्यूब में डाला था कि कोई भी जो है रेजोल्यूशन जो है नेक्स्ट ईयर का वो आए तो वहां पर अमित जी का आया तो वो अलग ही थे मतलब काफी सारे लोगों ने किया सबकी अपनी पर्सनैलिटी थी बट एक अलग से जो करिश्मा था वो हम आई थिंक क्लिप भी यहाँ पे चलाएंगे वो एक अलग सी पर्सनैलिटी थी तो अभी मैं अपना पर्सपेक्टिव बारे में बताऊंगा पहले अमित जी का क्या था मतलब वो कैसे जान रहे थे और कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस हुए थैंक यू सो मच ये ये मौका देने के लिए क्योंकि मैं हमेशा से ये बात बताना चाहता था क्योंकि लोग मुझसे पूछते भी हैं कई बार कि गीगल से आपका जुड़ना कैसे हुआ वह यूं था कि 2018 में मैं भोपाल से कोटा गया मेरी फैमिली यहाँ भोपाल में थी और मैं कोटा में रह रहा था एक स्टूडेंट की तरह बिल्कुल स्टूडेंट हॉस्टल में ही रह रहा था तो ऑफिस से जब मैं लौटता था तो कुछ फैमिली के साथ तो फ़ोन पर थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया उसके बाद मैं अकेला तो मैंने यूट्यूब एक्सप्लोर मतलब देख लेता था सुन लेता था अचानक मुझे आपका चैनल सामने आया और आप मैंने ऑब्जर्व किया कि आप बुक्स को पढ़ करके बुक्स की लर्निंग छः सात आठ पॉइंट में आप उसको एक्सप्लेन कर देते थे मैंने कहा ये तो ज़िंदगी मिल गई क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था जॉब के चलते फिर वो उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं टाइम मैनेज नहीं हो पाता था और मेरी किताबों से मेरी दूरी हो गई थी तो मैंने आपको रेगुलर सुनना शुरू किया तो पीटर थील वाला जो आपने जिक्र किया ना मुझे याद है आपने बहुत अच्छे से सभी बड़े बिजनेसमैन और सीईओ वगैरह का जिक्र किया था कि वो लोग बुक्स पढ़ के ही जो है वो ग्रो करते हैं उसी का ये क्लिप था आपने प्ले भी किया था तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उससे चैनल के थ्रू ही मुझे गीगल ऐप के बारे में पता चला मैं वहां पहुंचा तो मैंने आपकी समरी सुनी तो कनेक्ट तो पहले से ही आपके साथ में था तो जैसे रूबी जी ने कहा कि जजमेंट तो वाली तो कोई बात ही नहीं थी फिर रूबी जी को मैंने सुना तो इनकी बुक इनकी आवाज में एक बुक थी सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वो उसमें कुछ एक 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 पार्ट था जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी उन दोनों अपनी लाइफ में तो मैं उसको रिपीट पर और रोजाना ही सुनता था लगातार फिर यू हुआ कि आ, किसी व्यू जैसे आपने कहा कि व्यू आर्टिस्ट के बहुत सारे ऑडिशन चल रहे थे आप चांस दे रहे थे तो किसी मेल वॉइस ने समरी पढ़ी आपके अलावा तो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया मैंने कहा यार मैं इनके लिए सर्व कर सकता हूँ वहाँ मुझे थॉट आया मैंने आपको मेल लिखा ये उसी दौरान की बात है जब आपने टेस्टिमोनियल्स और अपने एक्सपीरियंस मंगाए थे यूट्यूब ये 2018 लास्ट की बात है क्योंकि थर्टी दिसंबर और फर्स्ट जनवरी का ही वो कैंपेन था कुछ उसी, उसी के बाद फिर मैंने आपको मेल लिखा कि मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ और वॉल्टरली मैंने अपने आप को ऑफर किया था तो तीन महीने बाद करीब आपका मेल आया था तब तक मेरा काम चल रहा था मैं सुन रहा था आपको रूबी जी को तो लाइक तो चल ही रही थी पर जैसे ही आपका वो मेल आया आपने आपने समरी समरी दी और मुझे पहली मुझे पहली याद है रूबी जी के साथ ही दी थी आ, चिकन सूप फॉर yes. तो तो मुझे बड़ा टफ लगा था वो काम पता है क्यों क्योंकि रूबी जी की वॉइस ना बड़ी फ्रेश वॉइस है मतलब ये इन्होंने भोले इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से इवनिंग शो किए हैं

और लकीली नेट की वजह से हम मतलब मिल गए एक दूसरे को वरना जोग्राफी आपको वैसे इंसान नहीं मिलते आस पास आपको कोई और होता है वो सोचेगा आप अलग ही आउट होते हो वो सोचते हैं यार ये कुछ और ही बोली जा रही है ये क्या चीज़ है <laughs> तो वो कहीं ना कहीं जी वो आपकी बात से मुझे याद आ रहा है इंडस्ट्री में टर्म चलता है ना कुछ लोग नौकरी करते हैं कुछ लोग अपने काम को जीते हैं जीते हैं तो बस वही हुआ इस तरह तो से मेरी ज्वाइनिंग हुई रूबी जी के साथ मैं अपने टफ टास्क मुझे दे दिया था इनकी एनर्जी के साथ मैच करना क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से अपनी पिच से अपने उसमें बोला करता था बट लकीली आपने रूबी जी ने सभी गिगलर्स ने एक्सेप्ट किया और मैं आपके साथ इस जर्नी में शामिल हो गया कई साल तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ <laughs> चेहरा छुपा हुआ था बहुत ही अच्छा इसमें भी दो बातें पहली बात तो ये कि जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी तो वो जैसे अम्मी जी ने भी जब किया था तो मेल में ये आया था कि मतलब कोई चार्ज वगैरह मैं नहीं करूंगा क्योंकि उस टाइम अमाउंट भी नहीं था तो वो एक बहुत बड़ी बात थी मतलब मेरे लिए उस टाइम क्योंकि बजट था ही नहीं और वैसे ही रूबी का भी वैसे ही था मुझे याद नहीं है कि दस ग्यारह महीने बाद मैंने याद दिलवाया था कि आप जो इन्वॉइस है वो तो कम से कम मतलब दे दो और कई डब्ल्यू के लिए भी आई थिंक रूबी ने

तो आप खुद पढ़ रहे होते हो और जब आप उसको जब रिकॉर्ड करते हो सेकेंड टाइम वो इतनी खूबसूरत होती है कि आपको किसी को समझाना है मतलब करते करते भी आप इतना इम्प्रूव करते हो उसमें कुछ वर्ड्स चेंज करते हो कि कैसे इजी समझ में आए तो ये मुझे लगता है इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि किताबों की वो नॉलेज आप इतना इजीएस्ट वे में खुद भी ले रहे हो और दूसरों को भी दे रहे हो तो ये बहुत कमाल की चीज है मतलब इसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं क्या बोलूँ ये फीलिंग बहुत अमेजिंग है अपने आप में और ऊपर से उसमें जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो स्टार्टिंग के डेढ़ दो मिनट मिलते हैं वो तो कमाल ही है क्या बोलते हैं कि कि रीजन सबसे पहली बात बात इन्होंने बहुत खूबसूरत कही हम ड्राइव होते हैं आपकी लोगों को बुक्स मिलनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान के लोग पढ़ें आगे बढ़ें ग्रो करें देशभक्ति दिखाने का एक, 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 अलग जरिया है, एक अलग तरीका है जब हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो अपने अपने लेवल का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है आपने वो स्टेप इनिशिएट किया जो बहुत ज़रूरी है लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ना बहुत ज़रूरी था अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे और बात सिर्फ स्कूल टेक्स्ट बुक की बुक्स की नहीं है ना असली नॉलेज तो ज़िंदगी के मैदान में कूदने के बाद शुरू होती है और ये जो बुक्स हम जो आप बना रहे हैं या जो बुक पढ़ के आप उसका सिंप्लीफिकेशन अपने चैनल पर भी कर रहे हैं ये तो वही चीज़ है एक बुक किसी एक व्यक्ति के लाइफ का एक्सपीरियंस है अगर पूरी लाइफ का नहीं भी है तो एक हिस्से का एक्सपीरियंस तो है और लिखना एक बड़ी ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जब आप Action. लिखते हैं आप सोसाइटी को जब सरेंडर मतलब एंट्रस्ट कर रहे हैं सौंप रहे हैं अपनी एक अपनी एक थाट प्रोसेस वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक ऑथर की तो ऑथर जब कुछ देता है ना तो वो अकेला नहीं देता उसके साथ में उसका सुप्रीम का इंटेंट भी उसमें जुड़ जाता है उसको फ्लो आता है वहां से उसने उस उसनेट के साथ लिखा अब हिंदुस्तान के लोग पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि हिंदी मेंचास में तो में तो तो कि, साल किसी ने इन्वेस्ट करके लिखे और जो मिस्टेक्स उसने की है वो कह रहे हैं भाई ये मत करो कुछ नया कर लो तो हमारी जनरेशन एक्सप्लोर करने बैठ गई वही चीजें इवन बिजनेस का जो ये बताते हैं बहुत सारे वीडियोस में तो मत करो वो चीजें कुछ नया कर लो बट उसके लिए सुनना पड़ेगा सुनने के साथ कॉम्प्रियंस समझना पड़ेगा और समझने के लिए वन मिनट की रील जैसा टाइम हो गया आजकल कल मतलब है ही नहीं मतलब समझने की कैपेसिटी नहीं है तो इतना इजीएस्ट मुझे लगता है दुनिया की डिफिकल्ट चीज है सिंपल भाषा में सिंपल तरीके सिंपल काम करना बहुत डिफिकल्ट है बिल्जी आसान नहीं है प्रैक्टिकली लर्न कर रहे हैं सिंपलीफाई कर रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं जिसमें हमको भी जोड़ा Yes. पीछे टीम है, नो no डाउट उस, उसका भी हम जिक्र करेंगे तो मैं यही बताना चाहता हूँ अगर मैं, मैं सुन रहा हूँ मैं मैं yeah. तो मैंने इनको क्या दिया मेरे को हमेशा ये रहा है कि अगर मैंने किसी से लिया है तो मुझे कुछ तो करना चाहिए सामने वाले के लिए तो मैंने उस इंटेंशन के साथ में लिखा था और मैंने लिखा भी था कि देखो आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हो मैं भी पढ़ूंगा मैं भी कर दूंगा और मेरा भी भला हो जाएगा मुझे भी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाएंगी तो ये मेरे लिए एक ड्यूटी हो जाएगी ना कि मुझे अपना काम करके देना है उस लिहाज से मैंने ऐसे ऑफर किया था हालांकि बाद में आप बहुत जिनरेस्ट रहे ऐसा नहीं है और जितना एक टीम मिलकर के करती है वैसा हो वैसा हम अभी भी चल रहे हैं आगे भी चलेंगे हमें लोगों का प्यार मिलता रहेगा आई एम श्योर आपकी इंटेंट ड्राइव करती रहेगी एज ए आर्टिस्ट ये भी होता है थोड़ा सा किसी का मूड शिफ्ट कर दे या उसको हम नहीं कहते कुछ बहुत ही भयंकर तड़ाम तड़ूम उसकी जिंदगी में कुछ हो जाएगा वो मूड शिफ्टिंग भी अगर उस टाइम के लिए होती है उस टाइम के डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाते हैं उस टाइम उसकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा हो जाता है वी कांट इमेजिन एक बैड मूड में हम कितना बुरा कर सकते हैं वी हैव नो आईडिया तो ऑलवेज ये इंटेंशन भी आई थिंक काम करता है जो रेडियो से लेकर अब तक गीगल के साथ भी है से, तो बटरफ्लाई इफेक्ट काम करता है जी आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जब आप किसी को समझा रहे होते हैं तो आप खुद भी समझते हैं या yeah. वो ये ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये क्योंकि हमें मालूम है कि हमें सुनने वाले लोग हर किसी का जो सुनने और समझने का लेवल एक जैसा नहीं है एक जैसा नहीं तो होता प्यार से उसको लेकर के चलना पड़ता है लेट लाइक ले, एक्चुअली हमारे सामने कोई बैठा है और हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हाँ। मगर यहाँ तक भी जो अमित जी का मेन टैलेंट था वो छुपा हुआ था जब मेन मेन जब हमने सुनी क्योंकि उससे पहले मतलब वो जो टैलेंट था वो सामने नहीं आया जब भगत सिंह की जब आई थिंक वो रिलीज हुई थी तो वो एक बहुत गाने शुरुआत जब हुई थी बहुत ज्यादा मीनिंग स्टोरी थी तो पहले मैं अपना परस्पेक्टिव बताऊँ कि आपने कैसे रिकॉर्ड किया आप बताओ फिर मैं बताऊँगा जब मैंने रिसीव किया तो मुझे क्या फील हुआ और मैं उस टाइम क्या कर रहा था मुझे एक्जैटली exactly वो मूवमेंट याद है मैं कौन से टेबल में बैठा हूँ कुछ ग्यारह या बारह बजे के करीब पूरा सूरज चला हुआ है और मैं बैठा हुआ हूँ काम ही कर रहा था मैं उस फ्लू मूड में था और मेरे पास दो वर्जन आए थे एक ही ऑडियो के अगर मैंने इसमें थोड़ा सा ऐसे गुनगुनाया है आपको अगर मन करे तो आप ये वाली डाल देना मगर उससे पहले आपके मन में क्या चल रहा था फिर मैं बताता हूँ मैंने क्या किया देखिए मेरे साथ ऐसा था कि समरीज तो मैं आज मैं कहता हूँ ना कि रूबी जी की लाइफ में एक जिंदगी छलकती है उनकी वॉइस की एनर्जी मैच करना मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए टफ ही है बट यह फिर भी मैं तो दे ही रहा था इतने में आपने भगत सिंह जब ए, मेरे साथ में शेयर की तो मेरे लिए मैंने इनको बचपन में पढ़ा हुआ है और मैं दो तीन ऐसे लीडर्स हैं जिनसे मैं हमेशा बहुत इंस्पायर रहा हूँ राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस जैसे ही भगत सिंह जी आए मुझे लगा ये तो बहुत कमाल की बात है मैंने कहा मैं तो और लिखा भी वो आई एम एथिस्ट वो खुद सासेंट में लिखा हुआ है तो मैंने कहा यह तो मैं इसको भगत सिंह के फील में ही पढ़ूंगा मैंने पढ़ा अब उनके साथ में जुड़ा हुआ एक सॉन्ग है शहीद फिल्म पुरानी मेरे पापा उस सॉन्ग को मतलब गुनगुनाया करते उस फिल्म की तारीफ किया करते थे हमेशा से ही करते हैं आज भी तो मुझे लगा कि अगर मैं वो सॉन्ग गुनगुना दूँ तो एक

मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम क्या हुआ कि दो वर्जन आए मैं बैठा हूँ मैंने प्ले किया पहला एक था वो तो मतलब एक तो आवाज़ मुझे लगा कि पहला वर्जन सुन के जिसमें स्टार्टिंग का वो नहीं था ऑडियो नहीं था तो उसमें मुझे लगा कि मतलब डिफरेंट आवाज़ थी क्योंकि वो पूरे कैरेक्टर में और उसमें आगे थे जब मैं दूसरा वाला किया कि मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि मैंने कुछ गुनगुनाया तो वो गुनगुनाया मतलब एक ऐसा होता ना और वो बहुत ऐसा था कि आवाज़ भी धीरे धीरे ना इंक्रीज हुई थी एप्लीट्यूड तो एक फील सी हुई मतलब मुझे कि यार जैसे गूज बम्प से होता नहीं कुछ हुआ और मुझे अब तक याद है कि आई थिंक ज्योति जो है वो किचन में थी मैं उसके पास गया मतलब ये देखो ये मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ मैं ये क्या किया ये क्या किया और उसने भी ऐसा किया और उसके बाद मैं सॉन्ग सुनने मतलब ये सॉन्ग है कहाँ पर क्योंकि हमने जो भगत सिंह देखी हमने वो वाली देखी हुई है जो

सच भाई चलिए थैंक यू बड़ा ही गहरा गाव है यारो जिसका गुलामी नाम है उसका जीना भी क्या जीना जिसका दे शोलाम है सीने में जो दिल था यारो सीने में जो दिल था यारो आज बना है शोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बढ़िया और वो भी इम्प्रोम्प्ट यू मुझे याद है वो चरनोबिल डिजास्टर वाली जो समरी थी और एक वॉर वाली समरी जो थी उसमें भी मैंने अलग अलग गुनगुनाए हैं और आ, मतलब होता है ना जैसे आपने कहा ना कि जब आप कनेक्ट करते हैं तो हमारे करीबियों ने हमसे जो बातें कही होती हैं या घर में जो माहौल होता है

उसकी एक बहुत ज़्यादा अपनी <laughs> स्टोरी है क्योंकि वो एक्चुअली हर चीज़ में डिफिकल्ट था तो ये वाला प्रोजेक्ट था आ, हम करना चाह रहे थे तो मैंने ऐसी जो अपना ब्रदर इन लॉ है उसको बोला क्योंकि वो शालॉक होम्स बहुत देखता है मैंने तो यार इसको ना हिंदी में करेंगे मैंने तो बोला जी जी ये तो फिर वही बात होगी कि मान लो शाहरुख खान है उसका जो डायलॉग है दिलवाले दुल्हनिया का आप इंग्लिश में बोल रहे हो वो फील नहीं आएगी नहीं ऐसे कैसी नहीं आएगी लेकिन जो एक्चुअली में इंग्लिश लिखी गई है सर आर्थर कॉन डॉयल वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है शेक्सपियर टाइप की अंग्रेजी है उसकी मतलब नॉर्मल इंग्लिश भी नहीं है उसको पहले तो ट्रांसलेट करना उसको ट्रांसलेट किया और फिर उसके बाद अम्मी जी को आई थिंक एक वीडियो करी कि अम्मी जी ये कैरेक्टर है कि ये देखो ये कैसे बोलते हैं और उसके बाद जब हमने रिकॉर्ड करी फिर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि उसकी रिटेंशन देखने के लिए मैं जिसके साथ भी जैसे उसको था मैंने जब रिकॉर्ड होगी तो मैंने उसको सुनाई तो मैं जानबूझ केसा करूँगा कि अगर कोई सुन रहा है तो मैं उससे छीन लूँगा मोबाइल सुनते सुनते अगर तो उसने बोझ लिया कि यार ये क्या है कि दो दो मैच बीच में तो मुझे लगेगा हमने अच्छा काम किया है अगर उसने बोल दिया उसको फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब मैं ज़बरदस्ती उसको सुना रहा हूँ तो मेरा हमेशा रहता है, है।, है। हाँ मैं चेक करता हूँ कि अच्छा वो स्टोरी में एंगेज हुआ कि नहीं हुआ उसके बाद जब हुआ वो बोलती चीज़ जी चीज़ें मैं सुन रहा हूँ रुको रुको और वो अकेला ना अकेले बिल्कुल कोने में जाके बेड में जाके वहाँ पर सुन रहा था ऐसे को अकेले सोन में जाके तो इसका जो डायलॉग है एक तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम बोलेंगे मुझे पहले अमित जी की तरफ से देखते हैं कि वो उनका क्या परस्पेक्टिव चल रहा था क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग अभी तक का मतलब

वहाँ चले गए मेरे को किसी से बोलने करने का तो मन है नहीं मैं एक जगह बैठ जाता था और मैं लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करता था उनके चेहरे उनका बोलना चलना मेरा यही काम होता था और ऐसा करके मैं अपना टाइम पास करता था मैं तो, भी। तो, मैं भी। साइलेंट भी। तो अब हुआ ये कि जब थोड़े रेडियो में जब जाना हुआ मुझे पढ़ने का शौक तो था ही तो मैं बेकरी करने का वहाँ चांस मिला वो अपने अपने जो टैलेंट जो भर गया होगा ना ऑब्जर्व करते करते उसको एक्सप्रेस करने का चांस मिला तो एडवर्टीजमेंट्स में करेक्टर करना स्टोरीज में करेक्टर करना शोज़ में मैं बिक्री करना ये सब शुरू हुआ तो इच्छा तो थी ही कुछ ऐसा करने की मैं अपने चैनल पर भी स्टोरीज पढ़े रहा था आपने जब ये दिया और मेरे लिए क्या होता है स्टोरीज मतलब मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे हर करेक्टर को डिपिक्ट करना उसको एक्सप्रेस करना एक चैलेंज लगता है आपने जब ये दिया और उसके साथ में एक वीडियो और दे दिया था और जब मैंने वो वीडियो देखा मैंने कहा यार कैसे है किसी कैरेक्टर को करन, जब भी आप किसी करते हैं तो आपको कोई ना कोई तो इमेज बन जाती है ना आपके माइंड में तो मुझे देव साहब की इमेज आ रही शशि कपूर की इमेज आ रही दोनों मैंने कहा दोनों अलग अलग इंडिविजुअल तो फिट नहीं हो रहे इनका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा मैंने क्या उस हिसाब से एक वॉइस जो मुझे समझ में आई मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने जो मुझे सजेस्ट की मैंने वैसा करके दिया आपको एंड लकीली वो आपको पसंद भी आया मुझे लग रहा था मैं इसमें तो मेरा काम बनेगा ही नहीं ये तो कहाँ इस कैरेक्टर को और मुझे कहाँ कहाँ मैच होगा मैं तो मैं तो सोच बैठा था मैंने कहा दे दो फिर देखा जाएगा जो होगा तो मैंने दे दी लकीली वो आपको पसंद आई बहुत अच्छे जब वो प्रोजेक्ट बने वो वाकई में मुझे नहीं मालूम मैंने तो इतना नहीं देखा था शेरलॉक होम्स को सुना ज़रूर था नाम और सर आर्थर आनंद डॉयल का नाम भी सुना हुआ था पर कभी पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं सेंट्रल इंडिया से हूँ हिंदी मीडियम से हूँ हिंदी साहित्य पढ़ने से ही मुझे कभी फुर्सत मिली नहीं तो बस यही हुआ कि आपकी वो जो आपका जो विजन था एक्चुअली ये उसकी सक्सेस है तो अभी आपको याद है वो डायलॉग वो, वो मैं बोलना चाहिए ये ने वो एक कर दिया है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा बनी है क्योंकि में पब्लिक में और हर इसको करना लेकिन वो जो बना में ये दिया अच्छा। वो ऐसा था कि मतलब हमने बहुत हाई लेवल की प्रोडक्शन मतलब वो अचीव करी थी उसका म्यूजिक प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है इसका क्रेडिट जो है वो मेरे दोस्तों को जाता है शुरुआत में मैं बैठता था कुछ मैंने किया फिर जो साथी बनाए मैंने फिर उनके साथ में उन्होंने अंडरस्टैंड किया और मगर उन... ये ऐसे है कि ये ना मतलब एक जियेंगे लाइक हमारी लाइफ के बाद भी जो काम है मुझे ऐसा लगता है जो कई काम है जो बहुत दिल से किया है बहुत ज्यादा मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि मूवीज का भी नहीं है इस पर यूट्यूब में आप जाओगे सारी की सारी वो होम्स की मिल जाएंगी लेकिन वो एक अलग ही फील है उसकी ये जब ये शेरलॉक होम्स पब्लिश होती थी ना उसके बाद के जो मैं कॉमेंट्स पढ़ता था उससे बड़ी बड़ी मतलब खुशी भी होती थी इंस्पिरेशन हिम्मत भी मिलती थी क्योंकि एक पब्लिश होती थी और लोग तुरंत कहते थे कि नेक्स्ट पब्लिश कीजिए तुरंत नेक्स्ट कीजिए तो वो एक अच्छा था वाकई में डायलॉग जो आप कह रहे हैं पता नहीं मैं निभा पाऊंगा कि नहीं भा पाऊंगा पर मैं कोशिश करता हूँ चलो पहुंच बिहाइंड द सीन्स क्या कैरेक्टर है इतना शार्प माइंडेड ये तो बड़ा अरे देखा कि तुम्हारे लेफ्ट के किनारे के लेदर में जहां आके रोशनी पड़े तो चमकती है इस कि किसी ने तुम्हारे जूतों को, को साफ तो तुम का करने तो के लिए बहुत नाइट्रेट का उसकी टोपी की राइट साइडी हुई जहाँ उसको छपा रखा है तो मैं एक ही अगर मैं भी नहीं बता पाया है Amazing. With expression, बिना खाए चबाए शब्दों को और समझ में आ रहा है और अच्छे से नाइस हो गया वो निभ गया बस नहीं नहीं अभी तक उसका बहुत ज्यादा डिमांड है कि वो वाली जो शालाओ और लानी है आई तक हमने फोर्टी कुछ कवर्स कर लिए हैं और भी, भी करेंगे लेकिन वो एक हर एक स्टोरी ना बहुत ज्यादा थी और भी एक बिल्कुल डिफरेंट भी थी लाइक वो जो सुन रहे हैं वो वही बता सकते हैं क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा

हाँ वो तो बहुत वो मतलब बिल्कुल ऐसे मर अपने दोस्त डॉक्टर वॉटसन तक को बेवकूफ बना देता है वो कि मैं मर चुका हूँ ऑलमोस्ट तो हाँ कि वो मर रहा है बस आखिरी अंतिम विदाई है उसके जीवन की और वो सिर्फ इसलिए कर रहा होता है ताकि वो असली मुजरिम को पकड़ सके अमित जी का ऐसे ऐसे हो रहा है नहीं नहीं आपका अच्छा। अमित जी का ठीक है आप कैसे हो रहे हैं वैसे गीगल ने डे वन से अब तक काफी सारी चीजें गीगल में चेंज हुई है और चेंज तो यूनिवर्सल लॉ भी होना भी चाहिए लेकिन मुझे लगता है अमित जी एक चीज जो आप भी महसूस करेंगे कि स्क्रिप्ट जो थी जो हेमंत जब जो मैंने आपको बताया था कि वो एकदम उसमें डीप जाकर लिखते थे जो भी इजिएस्ट वे में वो सेम फॉर्मेट ना अभी कोई भी राइटर लिख रहा है मुझे तो पता भी नहीं होता कई बार बट फिर भी अब तो जब मैंने पूछा एक बार कि यार ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है मैंने एक बार बोला भी क्या ये हेमंत ने लिखी है बिकॉज उस तक काफी टाइम बाद हेमंत नहीं लिखते थे वो और चीजों में एनरोल हो गए थे बट एग्जैक्टली exactly वैसे वर्ड्स एग्जैक्टली exactly वही फील एग्जैक्टली कनेक्शन रिदम फ्लो सब कुछ एज इट इज तो मैंने कहा ये तो पक्का हेमंत ने लिखी क्योंकि बहुत टाइम बोले नहीं, नहीं नहीं ये तो पूरा अभी तो टीम ही लिख रही है मैंने कहा वाह क्या बात है तो पैटर्न जो डे वन से शुरू किया था वो पूरी टीम लाइक डेनिस अलका ममता ज्योति विशाल ज्ञान जुगनू मतलब सब लोग जो एकदम कहते हैं ना एक, एक मोती है अलग अलग लेकिन एक ही माला में तो एकदम लगता नहीं कि कभी कभी हार्डली रिव्यू जाता है कि यार इसमें कुछ चेंज है ऐसा है तो ये बहुत अमेजिंग चीज है तो हेमंत ने कैसे ट्रेन किया ये हेमंत जाने यार बताए हेमंत बिकॉज <laughs> ये बहुत आसान नहीं है आ, बिल्कुल आसान काम नहीं है कि, कि किसी को वो फॉर्मेट एग्जैक्टली फॉलो करवाना Outstanding like लाइक टीम ए प्लेयर्स है ये ये मैं आप लोगों से भी पूछना ही चाह रहा था टीम ए प्लेयर्स की क्वालिटी क्योंकि बहुत मुश्किल से जो टीम ए प्लेयर्स हैं ना जो एक्चुअली वो काम करते हैं लेवल का वो अलग ही है वो सिर्फ एक करने वाला नहीं है शैलॉक होम्स को उसको ट्रांसलेट करना भी उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत है एक किसी भी चीज़ को प्रूफ रीड कर रहे हैं ट्रांसलेट कर रहे हैं वो वो है कि वो अंदर तक समाया हुआ है कि आपको पता है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है तो उस पीछे का Yes. ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा मेरा आप आप दोनों से से भी था with why. Start with why, exactly. तो था स्टार्ट विद वाई तो इस लोगों से कि जो टीम ए है उसमें ओनरशिप की जो क्वालिटी है वो बहुत बड़ी मानी जाती है और बहुत से हायरिंग प्रोसेस भी हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप दोनों टीम ए प्लेयर्स हो इसका जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि बहुत बार रूबी ने भी अमेजिन ने भी ये बोला कि हम पुरानी वाली समरीज को रीडू करेंगे जबकि ये आप हर किसी में कॉमन चीज नहीं ढूंढोगे तो वो

बहुत इजीली नहीं मिलता है वन वो, वो फाइनल टेक जो है ना वो सेटिस्फाइंग होता ही नहीं बहुत बार नहीं होता है कभी कभी मिलता भी है तो तीन चार बार मैंने काम शुरू कर दिया है और जैसी टाइम मिलता है तो मैं स्क्रिप्ट मंगा के रखती हूँ बिकॉज बहुत पुरानी है अब तो मिलती भी नहीं कई बार तो मैं बस बैठ जाती हूँ मेरे दिमाग में हमेशा रहता है मेरी टू डू लिस्ट में कि ये वाली सवरिंग करनी है और वो टाइम जैसे मिलता है तो मैं उसे करती हूँ क्योंकि अभी देखो काफी सारी चीजें चेंज हुई है स्क्रिप्ट में भी हमने बहुत सारी चीजें चेंज की है तो टाइम तो नहीं है पूरा का, पूरा करने का बट जैसे जैसे होगा मुझे बात करते करते तो समझ में आ गए <laughs> <laughs> नहीं होता मुझे याद आता है मैंने बहुत छोटे छोटा था मैं लता जी का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था और वो ये कहती थी कि, कि किसी ने उनके बारे में कहा था लता जी जब अपना रिकॉर्ड किया हुआ गाना दोबारा सुनती थी

इसलिए हमें लगता है और कभी कभी जब हम खुद को रिफ्रेश करने के लिए या खुद कोई पॉइंट सुनने के लिए जब उनको दोबारा से सुनते हैं तो हमें लगता है अरे यार ये तो बेहतर हो सकता था इसीलिए ही वो उनके मन में भी और मेरे मन में भी थाट आता है कि चांस मिल सकता है क्या दोबारा करने को हालांकि बिल्कुल सही बात है इतना आसान नहीं है उन, उनको करना पर फिर भी एक ख्वाहिश जरूर है कि जहाँ चांस मिले हम अपने किए हुए काम को और बेहतर कर सके और ये वही वाली बात है इंटेंट है जहां तक आपने कहा कि टीम ए प्लेयर को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है मैं इस पर इसमें एक बात कहना चाहता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे रूबी जी ने भी कहा कि हम ड्राइव होते हैं आपसे मैं भी कहता हूं कि हम आपकी इंटेंट से ड्राइव होते हैं तो हम आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं एक तरह से हम आपकी ट्राइब का हिस्सा हैं और जो मैं समझता हूँ जितने जिन जिनके अपने नाम लिए रूबी जी ने चाहे वो अलका जी हों विशाल हुँ, जुगनी होंगनू भाई हों ज्ञान हों डेनिस कभी मेरा इंट्रैक्शन तो इनसे हुआ ही नहीं इनफैक्ट हम ही पहली बार मिल रहे हैं तो ये सब उस इंटेंट्स हमारी एक सिनर्जी बन चुकी है।, है ना तो ये वो सिनर्जी जो है वो वर्क करा रही है मैं चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट में आप एक समरी बनाने की प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर दीजिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जी Yes, और एक और चीज अमित जी की लाइफ जो गया ना उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते जैसे पास गया जो गया लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है तो अभी जो है जिससे हम समरी करते हैं सबसे पहले गुड रीड्स में या एमेजोन में देखते हैं कि कौन सी रेटिंग के अकॉर्डिंग कौन सी अच्छी बुक है तो वो ऐड हो जाती है वहाँ पे उसके बाद सबसे पहले उसको इंग्लिश में समराइज़ किया जाता है इंग्लिश में समराइज़ करते हैं उसके बाद उसका प्लेजरिज्म देखते हैं कि कहीं से वो कॉपी तो नहीं हुआ है ग्रामर देखते हैं जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर वो ट्रांसलेट होता है ट्रांसलेट होने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाता है प्रूफ रीड किया जाता है फिर वो दोबारा से वॉइस ओवर होता है फिर वो अलग से वॉइस ओवर में ही काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं कि जैसे आपने कहा वो क्रिएटिव स्पेस है और कई बार हम कॉल भी कर देते हैं यार ये वाला सेंटेंस वैसा नहीं है इसको वैसा करते हैं फिर फाइनली वो एडिट होता है और फिर अपलोड होता है तो देखने में आसान है लेकिन हर बंदे को अपना अपना रोल पता है कि एक्जैक्टली यार ये नहीं है ये सिम सबको पता चल जाता है हमारे स्टैंडर्ड की बनी नहीं है अभी या ये बन चुकी है या ये अच्छी हो गई है बहुत अच्छा हो गया मतलब कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली हमने उसकी कोई खेपिया सेट नहीं करी बट वो पता है कि ये चीज़ है जो हम बनाना चाह रहे थे वो बन रही है ये वाले में और वो सात आठ लोगों के माइंड से होती हुई आती है कि मुझे क्या समझ में आया मुझे ये नहीं लगा इतना सिंप्लीफिकेशन होकर आता है तो टीम ए ए क्वालिटी टीम प्लेयर्स की जो आप बात कर रहे थे इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए क्वालिटी लीडर एंड प्लस अ स्ट्रॉन्ग वाय कि सबको बताइए एग्जैक्टली exactly ये चीज़ है उसे हम रुके भी नहीं थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं शुरू में जो हमने काफ़ी एफर्ट किया शुरू के दस या पंद्रह बनाने में उसके बाद आई थिंक वो एक लीड कर गया स्टीव जॉब्स की भी वो है कि अगर आप टीम ए प्लेयर्स एक साथ रख लो उसमें अगर कोई टीम बी या टीम सी प्लेयर आ जाएगा तो वो खुद ही उसको आने नहीं देंगे वो क्योंकि इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन टैलेंट है लेकिन अगर एक ए प्लेयर है वो बी को सोचेगा बी सोचेगा सी को सी सोचेगा डी को तो थोड़े टाइम के बाद वो साइन ना टीम जेड की मतलब टीम जेड बन जाएगी वो सारे जेड प्लेयर्स होंगे लगता है यहाँ पर uh... गीगल के साथ ये है कि जो भी चेंज छोटा बड़ा हम कर रहे हैं ऑलवेज इवन कम्युनिकेट करते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं आपको पसंद है कि नहीं पसंद है तो बहुत बड़ा रोल टीम के साथ हमारी जो एक रियल टीम है वो है हमारे लिसनर्स अच्छा है तो अच्छा बुरा है तो बुरा मतलब जो जेनविन फीडबैक है मतलब जितने वेरिएशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के जितने समाधान हो सकते हैं वो सब हमें एक्सप्रेस करते हैं तो कोई भी चेंज ऐसा नहीं है कि बस सोचा और कर दिया मतलब लोगों को अपील होना चाहिए और वो हमेशा अनाउंसमेंट करके ट्राई किया है कि किसके लिए क्या ठीक रहेगा तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि वो वाइब हमें वहां से भी मिलती है समरी के बाद भी मिलती है ऑलवेज उनके कॉमेंट्स होते हैं और गूगल प्ले में भी रिव्यूज होते हैं उसके साथ ही कुछ नया चेंज करते हैं तो ऑलवेज वो चीज हमें बहुत सही फीडबैक देती है एक्चुअली कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा और वो बहुत जेनुअन बड़ा लंबा लंबा कई लोग तो बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं

और रूबी से आपने जो कहा ना ये जो दो लाइन लिखते हैं या जो शब्द भी जो लिख देते हैं ये एक्चुअली हमारे लिए इको है हमारे किए हुए काम का जो हमारे पास लौटता है और दूसरी बात हम हर एक कॉमेंट पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हाँ चीज़ों को प्रोसेस में लाने में टाइम लग जाता है कई बार आपकी सजेस्ट की हुई समरी वो पाइपलाइन में होती है लेकिन आप तक पहुंचने में टाइम लगता है लेकिन हम पढ़ते हैं हम इंस्पायर होते हैं आपके हर एक कमेंट से आपकी की हुई हर तारीफ और हर गाली भी पढ़ते हैं

इसको फिर पे करने को हम हमने कैसे इसको प्रीमियम सेक्शन पर आए और उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़ जी अभी ये काफ़ी लोगों को लगता है आसान या इवन जब आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगा था कि जब एप्लीकेशन भी बना रहे थे जब फ्रेंड्स वगैरह तो, तो कितना मुश्किल होगा कि एक बार आप कोड लिखोगे और प्रोग्रामिंग आपने कर दी तो बस एक बार फिट कर दिया कर दिया क्योंकि मैंने भी एप्लीकेशन वगैरह बनाई है तो माइक्रो कंट्रोलर में मैं प्रोग्रामिंग भी बहुत ही करता था मुझे लगा इतना ज़्यादा नहीं होगा डिफ़िकल्ट लेकिन जब स्केलेबिलिटी आती है ना जब ज़्यादा लोग सुनते हैं तो एक किसी को एक गाना सुनाना और वही एक करोड़ लोगों को गाना सुनाना तो एक नेटफ्लिक्स ऐप बनाना और एक नॉर्मल मूवी ऐप बनाना बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग चैलेंज बनता रहता है जैसे जब जब आप स्केल करते हो तो इसमें बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं ई डब्ल्यू एस वगैरह सो ऑन तो स्टार्टिंग में तो ये हमने फ्री रखा था बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन थी लेकिन उसके बाद जब हमने उसको बनाना स्टार्ट किया कि अच्छा हमें पता चला लगा यार बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हमने एक बार प्रॉब्लम किया ही कि ए डब्ल्यू एस से डायरेक्टली ए डब्ल्यू एस जो है वो काफ़ी चार्ज करता है तो हर जी बी जो कोई इंसान सुन रहा है उस एक जी बी का हमें भी पे करना पड़ता है तो वो हर बार हम भी पे कर रहे थे तो एक बार क्या हुआ कि लिंक हमने डायरेक्टली किसी और का देना था इंजीनियरिंग टीम से गलती हो गई उन्होंने लिंक ई डब्ल्यू एस का डायरेक्टली दे दिया जिसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी और एकदम ही वो एक महीने में एक लाख रुपये बिल आ गया वरना नॉर्मली क्या होता था कि यूट्यूब से बीस पच्चीस हज़ार रुपये आते थे और वो हम इसमें डाल देते थे

बाकी चीज जो है वो ऐड करी और फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत ही मतलब वो ऐसे लग रहे थे कि कहीं मतलब बहुत ही घबराया भी हुआ था मैं कि करना क्या हमने काफ़ी डिस्कशन भी करी थी तो सबसे निचले वाली रो में सबसे आखिरी बुक है वो पेड करी थी तो किसी को कभी नहीं पता yes. चलेगा कि वो पेट थी कि नहीं थी जो ऊपर अभी आता है एक आइकन पेमेंट का वो भी नहीं था सिंपल आखिरी बुक थी कोई बिल्कुल स्क्रॉल करके बिल्कुल राइट साइड में स्क्रॉल करेगा तब उसे पता चलेगा तो आई थिंक जब हमने डाली थी उसके दो तीन दिन के बाद किसी ने एक नई सब्सक्रिप्शन ली थी

हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कई मेरे फ्रेंड्स हैं या कई अंकल वगैरह हैं तो उनको लगता है कि कोई आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर ली तो वो कहीं ना कहीं हमें पे कर रहे हैं तो वैसा नहीं होता है वो किसी ना किसी को एक्चुअल में वो पे करना ही पड़ेगा तो जो प्रीमियम लोग हैं वही जो बाय सब्सक्रिप्शन करते हैं उसमें एटीन परसेंट जो है वो जी एस करता है और पेमेंट गेट की फ़ीस होती है तो वहाँ से वो सारा अमाउंट कट के फिर जो बचता है वही इंजीनियरिंग टीम में और जो ई की कॉस्ट आएगी और बाकी क्लाउड फ्लेयर का वहाँ पे इंजीनियरिंग में काफ़ी टाइम लगता है कई लोग सोचते हैं ना एप्लीकेशन सिंपल है वो उतनी सिंपल नहीं है आप एक वेबसाइट बनाते हैं जिसको तो तीन लोग खोल रहे हैं और जिसको तीन लाख लोग खोल रहे हैं वो अलग से एक इंजीनियरिंग फीट है वो सेम नहीं है वर्ड प्लेस से आप ऊपर नीचे उठा लो और एलिमेंटल वगैरह लगा लो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो वो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तो वहीं से सारा आई थिंक उन्हीं के लिए है जो सारे प्रीमियम खरीदते हैं और जो उसमें लाइन है वही कहीं ना कहीं जो है बाकी लोगों के लिए लाइक like, पे कर रहे हैं और हेमंत एक्चुअली कोविड में भी आपने कुछ शुरू किया था जब एक सिचुएशन वर्ल्ड वाइड ड्रास्टिकली बहुत कुछ हुआ और देन गीगल ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम जिस भी लेवल पे हैं तो वो आप बताइए क्या था वो प्रोसेस हमने आई थिंक बहुत ही धीरे धीरे किया है पहले एक समरी एक वीक में आती थी फिर जब पेंट करी तो हमें पता था कि अब दो तो लेके आनी है फिर हम कोविड टाइम तक आई थिंक तीन पे पहुंच गए थे तो हमारा ये था कि यार सब्सक्रिप्शन एक फ्री है तो दो पेड हैं तो एटलीस्ट जो पेड वाले हैं उनको एक मोटिव मिले कि वो दो जो है उनको हर बार एक्स्ट्रा मिल रही है समरीज लेकिन फिर भी उस टाइम हमने डिसाइड किया आई थिंक रूबी आपके साथ भी काफ़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यार इस टाइम प्रेशर में है लोग एक्स्ट्रा लाना है तो हमने क्या किया कि यार ठीक है ऐसा करते हैं कि तीन में से जो दो हैं उसको फ्री कर देते हैं और एक पेड होगी और उसी टाइम फिर मेंटल हेल्थ की भी सीरीज शुरू की थी बिकॉज सब कोई आए... मेंटल इश्यूज से बहुत परेशान थे तो और पर्सनली हमारी लाइफ में भी था ऐसा नहीं था तो ऑलवेज जो हमारी लाइफ में हो रहा है तो देन बोल के मैं भी पढ़ता हूँ बुक देखते हैं क्योंकि ये और ये दौर खत्म ही नहीं हो रहा था इट्स लाइक चले ही जा रहा है तो फिर एक मेंटल हेल्थ की सीरीज इंट्रोड्यूस की थी जिसमें लोगों के कॉमेंट्स और की उन्हें ये महसूस हो रहा था कि ओके ये मेरे साथ नहीं है आई थिंक ये एक चीज होती है कि मैं अकेला नहीं जूझ रहा हूँ मैं अकेली परेशान नहीं हूँ और भी लोग हैं मैं हम साथ है एक्चुअली वो वन एक वाइफ क्योंकि तो हर कोई अपने स्तर पे बहुत डिफिकल्ट था हैंडल करना चीजों को और टाइम 21 डेज चैलेंज भी स्टार्ट किया था हमने यस तो। और वो एक वॉइस मैसेजेस का भी शुरू किया था अमित जी जैसे रेडियो होता है ना कि एक बंदा बोलता है तो ऐसा लगता है वो सौ बंदों की आवाज है हजारों की आवाज है तो मुझे अजीब भी लगा मैंने कहा यार एप्लीकेशन पे कैसे वॉइस मैसेज हेमंत बोले कैसे होगा मैंने कहा ट्राई इन्होंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं तो हमने वॉइस मैसेजेस के थ्रू वो शुरू किया था और एक जन का वो मैसेज आता था, था ना वो वाकई में हजार लोगों की आवाज होती थी कि ओके अगर ये कह रहा है तो ये मैं भी महसूस कर रही हूँ भले मैं आकर प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करूँ एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो जो एक स्टोरी आई थी जो एक मजदूर थे मतलब yes, yes. उन्होंने सुनना शुरू किया था एंड ही he... स्टार्ट मतलब उन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया था वो वो पूरा किस्सा आपको पता होगा ना हेमंत जी उसके बारे में बताएं ना हाँ जी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थी लाइक जब उसको पूरा सुना था तो एक वो वॉइस मैच था वो आई थिंक अभी भी एप्लीकेशन में है तो वो एक चेंज था कि उन्होंने मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा था कि मैं एक मजदूर हूँ जो टाइलों लगाने का काम करता हूँ और हर वक्त मतलब मैं एक बिजनेस बनना चाहता हूँ जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं ये ऑडियो बुक सुन रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं

मुझे कुछ नहीं पता था और I don't know, ये मन क्या सोच रहे थे मैंने ये दे तो, मैं तो, के से तो जब मेरा जो फीलिंग था आई थिंक मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि उन्होंने बिजनेस पर जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया तो वो प्रीमियम भी थी शायद बिकॉज हमारा बहुत सारा सीरीज जो है बहुत सारे कहते हैं ना कि अगर आपको पूरा खजाना चाहिए तो पूरी बिजनेस की सीरीज उन्होंने इतने अच्छे से सुने कि उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने बताया कितने पैसे से शुरू किया और कितना कमा रही थी और बहुत ही मतलब वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी काफी मेरे लिए इवन कि हम जब कुछ नया सोचते हैं बहुत प्लानिंग करते हैं बट शुरू शुरू तो करो उसने किया प्लानिंग सब ठीक है ज्ञान ले लिया शुरू तो करो उसे शुरू किया और करके दिखाया अच्छा वो एक्चुअली टॉक आई थी कस्टमर केयर में हमारे जो हेल्प करते हैं शिवानी उनको आई थी तो जैसे ही उन्होंने उनको कॉल करी और वो बोल रहे कि जो मैम है वो रुकी नहीं पा रहे ना। ना। तो उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी कि मैं ऐसे बैठी हूँ मैंने इतनी मतलब वो नॉर्मली बर्तन धोते हुए भी जो है वो बुक्स वगैरह सुनते थे कि मतलब मेरे हस्बैंड है वो उतना यकीन नहीं करते लेकिन मैंने ये किया धीरे धीरे करके उनका आई थिंक टेन लाख रुपीज़ पर मंथ वो करने लगे थे बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा अत्यादी मैंने सबको फिर सेंड करी थी जो उनकी ऑडियोज थी यस yes. तो और अच्छी बात यह है देखिए कि आप आसाम की बात कर रहे हैं आप उनकी बात कर रहे हैं इस वक्त तो मुझे लगता है नेबर कंट्रीज में जहाँ भी हिंदी थोड़ी बहुत सुरी समझी जाती है जी, जी, जी। बहुत सुना जा रहा है समरी बहुत सुना जा रहा है और वो जुड़ना चाहते हैं गीगल के साथ वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो आपको प्रीमियम मेंबरशिप में आ जाए हाँ और रास्ता निकलना होगा आपको। जी जी वो गूगल प्ले का हम लाए थे कि जो पेमेंट गेट है तो अलग से गूगल प्ले का नया वर्जन जो है उसमें हम लेके आए हैं तो कई काफी लोग हैं बांग्लादेश से हैं पाकिस्तान से हैं नेपाल से हैं तो वो जो सारे लेना वगैरह चाहते हैं तो वो ले सकते हैं वहां से गूगल प्ले से और एक रिसेंटली इंसिडेंट ये हुआ कि दो या तीन फैमिलीज़ मिली मेरे जो फादर इन लॉ हैं तो वो मस्कट ओमान में है तो वहाँ पे उनको फैमिलीज़ मिली गुजराती फैमिलीज तो वो सुन रहे थे वहाँ पे भगवत गीता तो उन्होंने तो, तो उन्होंने उन्होंने भी अभी अभी परसों ही आया पहले एक फैमिली का आया था ना और एक कल दोबारा उनको मिली तो वो पूछ रहे थे मैं नहीं था तो ज्योति को उन्होंने बोला कि हेमंत का है तो मैं नहीं था उस टाइम तो उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पे एक फैमिली मिली वो गीता सुन रही थी

वो ग्रुप बना करके उनका मॉर्निंग रूटीन है कि वो कुछ फ्रेंड्स हैं वो मॉर्निंग वॉक पर जब जाते हैं तो वो ग्रुप में वो कुछ न कुछ या तो कोई समरी सुनते हैं या कुछ ना कुछ एलिमेंट वो सुनते ही हैं मेरा एक कज़िन उनके पास पहुंचा ट्रीटमेंट के लिए अपनी वाइफ को लेकर के और ऐसी बातचीत होती रही तो वो कुछ सुन रहे थे तो मेरी आवाज़ पहचान गया बोले तो मेरे भैया की आवाज़ है तो ही वो सो ग्लैड उन्होंने मेरा नंबर लिया बताया अरे आप ग्वालियर से हैं और वो मिलने के लिए बिल्कुल आतुर हो गए उनको इतना अच्छा लगा कि जिसको वो रोज़ सुनते हैं मतलब हमारी आवाज़ों को वो रोज़ सुनते हैं और कि मैं वो वहीं ग्वालियर में मौजूद हूँ सिमिलरली सेम इंसिडेंट हुआ अभी मैं भोपाल में आ गया तो कि मैं किसी को अपना नाम बता रहा था कि मेरा नाम है अमित वाधवा और वो साथ में खड़े थे सिर्फ इतना सुन कर के उन्हें आप कीगल वाले अमित वाधवा मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ वो इतना उन्होंने मेरे साथ उन्होंने पिक क्लिक कराया

ये वही है जो गीगल में आती है। तो <laughs> गूगल में भी सर्च तो गीगल वाली मतलब बहुत बहुत सारी चीजें अच्छा ए, एक मैं, मैं होकर के बीच में बोल रहा हूं, क्योंकि आपने गीगल वाली रूबी कहा। आपको पता है कि मतलब मुझे अपनी ये पहचान बताने में बड़ा फक्र महसूस होता है हाँ। गीगल से, मतलब मेरे पर मैंने लिखा हुआ है नैरेटर है वो सब है हमारा सो so, गिगलर रूबी गिगल वाली तो गिगलर रूबी यस पहले भी ये बहुत स्पेशल फीलिंग है क्योंकि आप सोचिए कि हम अपनी पहचान और ये कनेक्ट हमें कहीं और महसूस नहीं होता कि रूबी जी देखिए ना कितनी सारी वॉइस करती है मुंबई में बैठे हैं वहाँ पर तो काम ही कितना तमाम काम करती होंगी वो अलग अलग लोगों के लिए लेकिन ये जो कनेक्ट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट ये तो है

तो यहाँ पर हमने लिखा था कि आई थिंक अगर ये दिख रहा होगा यहाँ पे तो ये बार बार चेंज होती है यहाँ पे लोगों यस 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 तो इसमें मतलब वो मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी थी कि कौन है यू आर हेयर बिकॉज यू आर अ बिग थिंकर यू आर अ लर्नर यू आर अ गिगलर तो ये yeah. कह रहा था कि अगर आप वैसा सोच रहे हो यू एक्चुअली बिलीव कि जो एक ग्रेट आइडियाज था वो आइडियाज़ की वजह से मतलब लाइफ चेंज हो जाती है तो यू आर अ गिगलर मेरी एक बुक है oh. जो मैंने आ, मैंने काफ़ी बार हर साल ऑलमोस्ट एक बार पढ़ता ही हूँ क्लॉर्डसी होपकिंस ने लिखी है तो वो स्टार्ट करते हैं उन्होंने स्टार्ट किया कि मुझे सत्तर साल का एक्सपीरियंस बोलते हैं मैंने काम पैंतीस साल किया लेकिन मुझे एक्सपीरियंस सत्तर साल का है क्योंकि जहां पर बाकी लोग हैं वो आठ घंटे काम करते हैं मैं सोलह घंटे काम करता हूँ वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे बिल्कुल नीचे से उठे हैं और जो कोलगेट है या इनकी एडवर्टिजमेंट है वो सब उन्होंने करी है तो वो बोलते हैं और मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये मैंने दो ही किताबें उन्होंने जिंदगी में लिखी हैं कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दो किताबें काश मुझे किसी ने दे दी होती जब मैं तुम्हारी एज का होता और मरने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ये जो चीज़ मतलब मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हें वो नॉलेज दूँ तो कई बुक्स होती है ना वो आप एक डिक्शनरी की तरह रखते हो आप हर साल उसको पढ़ते हो तो मतलब कई लोगों का एक्चुअल में वो काम है पूरी जिंदगी का जो उन्होंने किया इतनी हाइड्रेशन करके पामोलिव और ये जो साबुन आता है कौन है, कोई से पियर्स है कोईकरोट्स है शिलिट्स बियर है वो सारे के सारे उन्होंने ऐड करे उन्होंने पूरी करी कि उन्होंने झाड़ू से लेकर क्या क्या बेचा उनकी पूरी जर्नी और क्या उनको एक्चुअली में मिला कि इवेंचुअली जो ह्यूमन इमोशंस है वही एडवर्टीज़मेंट है तो कहीं ना कहीं जो हम समझते हैं स्टोरी के लिए वो ही उन्हें कंक्लूड किया तो मतलब इतनी ज़्यादा पावर है उस बुक की उन सारी बुक्स की जो ऐसी लिखी गई हैं जो कोई एक ना कहीं लिख देते हैं आजकल बुक्स अथॉरिटी के लिए लेकिन कई लोग डिजर्व करते हैं उस बुक को और उनकी वो मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि यार उनका पूरा ज्ञान उसका निचोड़ वो दो किताबों में उसने दिया हुआ है और पतली सी बुक है वो दोनों एक ही में है एक ही मतलब बुक के अंदर उनकी दोनों दो बुक्स हैं साइंटिफिक एडवर्टाइजमेंट

तो सुनते रहिए मजा आता है ये सॉरी बोलना था ना ये हम भी बात कर रहे तो नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> और, और अमित जी जो आप बोलते हैं आप कह रहे थे एनर्जी और स्पीड ऐसा नहीं है सच्ची में मैंने बहुत बार हेमंत से भी बात की थी स्पीड कम करे सबका अपना तरीका है तो मैं तो बहुत बार जो आप ठहराव और ठहराव <laughs> मैं तो उसको <laughs> नहीं एक्चुअल में वो जो आपका नेचुरल तरीका है मतलब इस पे मतलब मुझे मैं स्टार्टिंग से क्लियर है क्योंकि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग उस पर यकीन करता हूँ मुझे ये है कि ये जब आप बोलते हो ना अगर आप एक्चुअल में वो इंटेंट है वो फील जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है आप किसी को नहीं दे सकते वैसे अगर आपके पास वो फील नहीं है वो फीलिंग भी नहीं किसी को दे सकते तो अगर आप में फीलिंग है वो झड़ जाएगा शुरू में आपको कोई एक सेंटेंस सुन के बोल देगा ये अच्छा है इसकी आवाज़ अच्छी है इसकी नहीं है लेकिन जब आपको वो कंटिन्यूसली एक बार सुन लेगा पच्चीस तीस मिनट के लिए वो सब कुछ झड़ जाएगा उसको पता चलता क्या दिल से बात कर रहा है मेरे साथ और वो कहीं ना कहीं सबका अपना स्टाइल है रूबी का अपना स्टाइल है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जी का अलग से वो पूरा फील करवा देता है मुझे मतलब स्टोरी याद हो जाती है तो वो वो वैसे ही है yes. है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं आपने चेंज कर दिया तो उसको पोल्यूट कर दिया वो मत करो लाइक वो जो चीज है जो उनका नेचुरल तरीका है वो उनको रहने दो जस्ट लर्निंग ठहराओ मैं सीखती हूँ एनर्जी फ्रेशनेस मैं लेता हूं आपसे रूबी की जैसी दोनों जैसे

जैसे पहले थे तो थोड़ा सा ठीक लगा था लेकिन रूबी ने बोला जब अब मिर्जी की आवाज़ मैंने सेंड की थी नहीं नहीं ये मुझे नहीं। <laughs> तो वो वो वाली चीज थी हाँ। तो फिर हमने डाली थी आ, हाँ। तो स्टार्टिंग में हमने वही चिकन सूप और सोन में डाली थी तो ऐसा था यार वो हैंड शेक ऑफ कैसे कि पहले दो स्टोरी हैं फिर वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि अब हमारे पास जर्नी में एक और गिगलर है और फिर दो स्टोरीज वो होंगी तो वहां से वो एक स्टार्ट हुई

वो कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन है वो आपकी वायरिंग वैसे होने लग जाती है तुम तो तब भी दैट्स वाई आई लव बुक्स अभी भी ये जो लैपटॉप है इसके नीचे काफ़ी सारी बुक्स हैं तो इसमें एक बुक भी है अभी जो दो तीन भी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ मैं दिखाता हूँ आपको तो एक तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा हु नॉट हाउ तो ये, ये मैंने आप वीडियो देखा था मुझे तब से लग रहा है कि इस बुक को पढ़ना जी जी, पढ़ना बहुत अच्छा है कि जब आपको कुछ मतलब कुछ आपको बड़ा क्रिएट करना है कुछ अचीव करना है ना तो आप नॉर्मली हमें स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है कि को इसको कैसे करना है इस काम को कैसे करना है इस काम को कैसे करना है तो हम हमेशा हाव में जाते हैं कि इसको कैसे करना अच्छा मैंने करना एप्लीकेशन मैं ही बना देता हूँ लेकिन जब आपको एक्चुअल में क्रिएट करना है तो वो पॉजिटिव जो बेस्ट लोग हैं वो लाने पड़ेंगे तो वो हु है कि मैं नहीं कर सकता जैसे कि ऑडियो है वो मुझसे अच्छा रामायण मैं नहीं कर सकता था भगवत गीता मैं नहीं कर सकता था वो अमित जी ही कर सकते थे तो वो हु की तरफ जाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है

और हाँ, कहीं ना कहीं वो टीचिंग में भी मुझे मतलब मैंने पढ़ाया भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फिर डिप्लोमा को पढ़ाया अरे वाहिए हाँ, वो फील है आपने बताया उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते थे कहीं एक एलसीएस वगैरह होता था तो किसी को रियल मतलब सब्जेक्ट समझ नहीं आता था कि रियल जिंदगी में क्या हो रहा है तो मैं इतना घुमा फिर आगे मैं उसको बिल्कुल ऐसे करूँगा ये कुछ नहीं है इसका मतलब ये था और ये चीज़ और ऐसे लगता था उनको मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दू बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हम सबने पढ़ा हुआ है आए उठा करके है ना

और तीन कदम में आगे को गया दो कदम पीछे आया तो थ्री माइनस टू इज वन अब आयोटा आता है आयोटा किसी को बताते नहीं आयोटा क्या और आयोटा हम भी डरे रहते हैं आयोटा क्या है आयोटा का सिर्फ मतलब यह है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं अगर मैं अपने साथ आयोटा मल्टीप्लाई किया तो मैं नाइनटी डिग्री घूम जाऊंगा एक और बार मैंने आयोटा मल्टीप्लाई किया तो मैं 90 डिग्री इस तरफ को घूम जाऊंगा मीनिंग आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है तो माइनस वन क्यों हुआ क्योंकि मैं याद था मैं आयोटा 90 डिग्री घूमा 90 डिग्री में और घूमा मुझे एक चीज बड़ी अच्छी महसूस और रेडियो चौकी ऑलमोस्ट एक जैसा कॉन्सेप्ट होता है कहीं ना कहीं क्योंकि टीचर भी चीजों को सिंप्लीफाई करके कम्युनिकेट करना चाहता है कॉन्सेप्ट को एंड रेडियो चौकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके पास उसको सिंप्लीफाई और क्रिस्प कम्युनिकेट करता है उस कॉन्टेंट को शायद इसलिए हमारा कनेक्शन जो है वो ऐसा है और अभी एक क्रिएटिव स्कूल में रिकॉर्ड की थी समरी वो बहुत अमेजिंग है मुझे लगता है इंडिया के सारे स्कूल्स में ना ये ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको जो करने का मन है वो करे लेकिन ऐसा नहीं कि उस क्रिएटिव स्कूल्स में जिन लोगों ने शुरुआत की थी वो टीचर थे बट उनको ये पता था कि करना क्या है तो गीगल और बाकी जितना भी कॉन्टेंट चल रहा है सबकी यही कोशिश है कि यार

है ना और वो सिनर्जी बन ही गई है आप आगे गीगल को किस विज़न से देखते हैं तो स्टार्टिंग में जब ये था मुझे मैं इसको बहुत बार ये सवाल खुद से भी पूछता हूँ कि आगे क्या है तो स्टार्टिंग जब की थी वो सिंपल आइडिया था कि वो विचार जो है वो सरल भाषा में हम मतलब जो मुश्किल है उसको बहुत ज़्यादा एकेडमिक वे में बताने की जरूरत नहीं है कि आप उसी चीज़ को बहुत ही जारगन यूज करके बताते हैं तो इसीलिए उसको बहुत ही सिंपल किया था कि सबसे अच्छे लोग हैं जिन्होंने एक्शन में जिंदगी में किया है उसको करो मुझे लगता है कि अभी इसी थॉट को अगर आगे लेके जाना हो तो हम अगर उसका मैं वर्जन बताऊं जो वेस्टर्न में एग्जिस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं ऑडिबल और यूडमी है कि ऑडियो बुक्स हो इसमें फ्यूचर में हो कोई भी मतलब कोई भी बुक हो वो गीगल में अवेलेबल होनी चाहिए फुल बुक वो सुन रहे हो उनकी भाषा में प्लस यूडमी में कोर्सेज आते हैं जैसे कि तो कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट किया था एक फुल टाइम इन्वेस्टर थे शुभम उन्होंने कोर्स इसमें डाला था और वो उनके साथ भी काफ़ी मतलब सिंपल वे में उन्होंने डाला है वो कोर्स तो कहीं ना कहीं वो बोले कि एक प्लेटफॉर्म इंडिया में एग्जिस्ट करे जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो कि कोई भी गो थ्रू हो एक प्योर लर्निंग प्लेटफॉर्म कि आपको कुछ भी चाहिए सिंपल बिल्कुल सिंपल भाषा में मिल रहा है लेट्स सी कितना हम इसको अचीव कर पाते हैं बट लाइक दैट इज़ द विज़न कि हमारे मनने के बाद भी ये चलता रहे और एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करे यहाँ पे है ना संकल्प सुंदर है सिद्धि हो जाए हंड्रेड परसेंट और बाकी हमारे सपोर्टर आई थिंक उनका साथ यहां तक है तो आगे भी जर्नी जाएगी मुझे एक चीज और यहाँ पर कहनी है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतने सुंदर विजन के साथ में पहले भी रहा आपका और अभी भी है और जहाँ तक इसकी कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी की बात आती है वो भी आपने कोई बहुत अधिक नहीं रखा है मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो ऑफर आप कर रहे हैं ये और एक साथ तीन फैमिली के तीन मेंबर्स इसे सुन एक सकते, एक साथ सुन सकते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक ही फैमिली के तीन मेंबर्स के पास एक्सेसिबिलिटी होना नॉलेज के इतने बड़े सोर्स की है ना वो भी ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ मतलब ग्रेट आइडियाज की तो एक्सेस है ना ये तो वो अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही मिनिमम प्रोफिटेबिलिटी के साथ में ये जो ऑफर किया जा रहा है ये बस अगर ये बात कम्युनिकेट हो रही है हमारे गिगलर्स भाई बहनों तक किसी भी तरह वो अपने इस चीज़ को साथ में लेकर के चलें क्योंकि देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स भी आए आसाम वाली मैडम वो मजदूर भाई है ना वो डॉक्टर साहब वो फाउंडर्स ये इतने सारे लोग जब इसको लेकर के चल रहे हैं और लाइफ में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वो फील भी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आना चाहिए ये 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 लीड करेगा और हम आपकी स्टोरी सुनने के लिए बेताब हैं एक्चुअली और ये भी कि आप मुझे जैसे समझ में आया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक हम उसे खुद सुने ना थोड़ा सा टाइम ना इन्वेस्ट करें तब तक समझ नहीं आता है किसी चीज को आप टेस्ट ना करें तो आपको नहीं समझ में आता है मूवी का रिव्यू कुछ भी हो आप खुद पर्सनली ना देखे ना सुने ना तब तक मुश्किल है डिसाइड करना तो एक बार इतना इन्वेस्ट तो करना चाहिए कि मैं खुद सुन लूँ फिर आपकी चॉइस और मूवी के मामले में तो रूबी जी ऐसा है कि रिव्यू सुन करके कोई रुकता नहीं है जिसको जाना है वो जाता ही है वो जाता ही है ये तो मूवी से बहुत ही ज्यादा उसके कंपैरिजन में देखे तो ये तो लंबी लंबे समय के लिए आपके साथ चलने वाला साथी है कि दावे ऐसी दोस्त है यार आपको कभी जज नहीं करती कभी ताना नहीं मारती भाई बहन माशुका जो कैरेक्टर है सब मिल जाएंगे जिस तरीके से जिस फीलिंग से जिस वे से इतने हजार तरीके बिजनेस में आपको मोटिवेशन मिल जाएगा मोटिवेशन में बिजनेस मिल जाएगा कहानी में कुछ और मिल जाएगा हर किसी में कुछ ना कुछ है ट्रू और तो... तो... दोस्ती मित्र तो भटका सकते हैं लेकिन ये देखिए आपको सही रास्ते पर रखेंगे मतलब मेरे टाइम में ऐसी नहीं थी कोई एप्लीकेशन मैं था मैंने काफ़ी पहले से रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था तो काश उस टाइम होती तो मैं जब मैंने इवन पढ़ना ये स्टार्ट किया था जब गीगल भी बनना स्टार्ट किया था उस टाइम 150 या 200 बुक्स मैंने पढ़ी होंगी आज आई थिंक 200 से ज़्यादा बुक्स जो है वो फ्री में ही हैं अवेलेबल तो कोई भी अपना टाइम देगा और वो बहुत जल्दी उनमें गो थ्रू कर सकता है और बार बार कर सकता है तो वो जो बेस लेवल है वो इंक्रीज़ हो चुका है लोग उतना तो मतलब पता ही है जो भी इस तरीके का जो

स्टार्ट फ्राम स्टार्ट विथ वाई ये इस बुक इस बुक समरी ने मेरी हेल्प भी बहुत की है प्रोग्रामिंग में भी बहुत हेल्प की है रेडियो में लाइफ में हर जगह वो समरी है ही ऐसी तो ये जो जय हिंद था ये मुझे बड़ा कनेक्ट करता था आपका इंटेंट क्लियर हो ही रहा था धीरे धीरे वाई यू आर डूइंग दिस और फिर बस गीगल से जुड़ना हुआ आज आपने रूबी जी से रूबरू मिला भी दिया आवाज़ गए थे मेल के जरिए वो मुझसे पहले मिल गई थी <laughs>